हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वही टेक टू चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे ड्रोन का जो रिमोट होता है उसका यूज करेंगे, कैसे उसका आपको मैं आपको उसको स्लोली स्लोली यूज करके दिखाऊंगा आप, जैसे कि आप समझ में आ जाए आप ड्रोन कैसे उड़ाएंगे। तो मेरे पास तो बहुत बड़ा ड्रोन नहीं है, जो ड्रोन मेरे पास है उसका रिमोट का फंक्शन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों, मैं अपना ड्रोन का रिमोट आपके देख सकते हैं आपके सामने मैं ले आ चुका हूँ। तो इसमें से बहुत सारी ऑप्शन है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी ऑप्शन है। तो इसमें से आप कौन सा ऑप्शन को चूज करेंगे पहले तो मैं बता देता हूँ। तो मैं अपना ड्रोन पहले ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं अपना ड्रोन ओपन हो गया, वो लाइट चल रहा है। तो आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इसमें से आपको पहला वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको पावर वाला बटन, ये पावर वाला बटन होता है, इसको पहले प्रेस कर देना है। तो मैं एक बार बता दूं, मैं जब ड्रोन लिया था मैं अपने फ़ोन से ही कंट्रोल करता था, इसका फंक्शन मैंने जानता नहीं था। तो मैंने यूजर मैनुअल पढ़ के इसको समझा। तो देख सकते हैं आप पावर बटन ऑन कर दिया, ऑन कर दिया देने के बाद यहाँ पर जो LED इंडिकेटर है वो जलने लगा है। फिर उसके बाद आपको ड्रोन को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला देख सकते हैं दो बटन है, दो, एक है राइट लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो आपको पहला वाला ऑप्शन है लेफ्ट साइड का जो ऑप्शन है उसी पे आपको पहले क्लिक कर देना है पहला। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट जॉयस्टिक दिख रहे हैं आप, इसके ऊपर एक ऊपर वाला क्लिक करना है, फिर नीचे आपको क्लिक कर देना है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं वो जो LED लाइट था ब्लिंक होना बंद हो गया, ड्रोन का जो LED लाइट था ब्लिंक होना बंद हो गया। तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एज ऑप्शन दिख रहा है लेफ्ट साइड वाला स्विच, उसी आपको पहले क्लिक करना है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप ड्रोन स्टार्ट हो गया, ड्रोन स्टार्ट हो गया, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जब भी आप जॉयस्टिक ओपन नहीं करोगे तो आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाने के लिए बोला था। तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन है ये है टेक ऑफ, डायरेक्ट टेक ऑफ, इसको प्रेस करने से डायरेक्ट ऊपर जाएगा ड्रोन, ऊपर चला जाएगा डायरेक्ट। उसको ये स्विच नहीं प्रेस करने पर भी ये जब प्रेस करोगे तब टेक ऑफ हो जाएगा, और ये लैंडिंग भी होता है, टेक ऑफ प्लस लैंडिंग, एक स्विच, वन स्विच से। फिर उसके बाद ऊपर आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है ये है अपना हेडलेस मोड, इसको प्रेस करने से समझ लीजिए आप नया ड्रोन सीख रहे हैं। तो आप क्या करोगे, ड्रोन कहीं भी चला जाता है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए ये जो हेडलेस मोड जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है जब भी ड्रोन स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, ड्रोन जब उड़ना शुरू कर देगा समझ लीजिए बहुत दूर चला गया है, तो आप ये तीसरा वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, तीसरा वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उसी पे क्लिक करने से 1K रिटर्न, मेरा मतलब ड्रोन आप पहले जहाँ पर स्टार्ट हुआ था वहीं पर चला आएगा। तो लास्ट जो तीसरा वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर, इससे क्या होगा ड्रोन का 360 डिग्री रोलिंग होगा, 360 डिग्री रोलिंग होगा मतलब होता है सामने से, तो फ्रंट से 360 डिग्री रोलिंग होगा। तो ड्रोन जैसे कब देख सकते हैं यहाँ से रोलिंग होगा, ये था यहाँ का स्विच। तो इस पोर्शन में आप आते हैं तो यहाँ पर आप ट्रिम कर सकते हैं, समझ लीजिए बहुत हवा चल रही है तो क्या होगा, ड्रोन समझ लीजिए लेफ्ट साइड में बहुत हिल रहा है, लेफ्ट साइड में बहुत हिल रहा है। आप क्या करेंगे, चाहते हैं आप राइट साइड में थोड़ा सा ड्रोन को खींचने के लिए, तो आप ये प्रेस तो क्या करेंगे आप राइट साइड में करने के लिए, तो ये स्विच दिख रहा है आपको ये राइट साइड में होगा, और ये लेफ्ट साइड, और ये है फ्रंट, और ये है बैक, ये ट्रिम हो सकता है ऐसे ही समझ लीजिए, कोई प्रेशर पड़ रहा है हवा के प्रेशर, या फिर समझ लीजिए हवा की प्रेशर आ रहा है, तब इसके जरिए आप ट्रिम कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है ये आप क्या होगा, ये है फ्रंट, मेरा मतलब है आगे जाएगा, और ये है बैकवर्ड पीछे करने से, और ये है राइट, मेरा मतलब है लेफ्ट, सॉरी ये यहाँ इधर जाएगा, और ये प्रेस करने से यहाँ इधर जाएगा। और इसको जब आप देख रहे हैं यहाँ पर करने से तो ड्रोन का फ्रंट चेंज होगा, मेरा फ्रंट इधर से जब इधर आप करेंगे तो अब ये जो ड्रोन है वो इधर आएगा, जब ये इधर करोगे तब ये राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में घूरेगा, और जब राइट साइड में करोगे तब वो, सॉरी राइट साइड में जब करोगे ड्रोन इधर आएगा, ऐसे होगा। और ये आप देख सकते हैं एक फोटो के लिए है और एक वीडियो के लिए है, तो आप ये देख सकते हैं आप। तो क्या होगा, इससे यह पावर बटन जब भी ऑफ कर देंगे ड्रोन ऑफ हो जाएगा, ड्रोन ऑफ हो जाएगा, मेरा मतलब है रिमोट ऑफ हो जाएगा, ड्रोन नहीं ऑफ होगा। तो आप कभी भी इसको गलती से भी ड्रोन चलने के बाद प्रेस मत कर देना।
आप समझ लीजिए ड्रोन बहुत ही ऊपर चला गया, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पा रहे, तब क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन दिख रहा है राइट जॉयस्टिक, इसको आप ऐसे ही प्रेस कर देने से ड्रोन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, मेरा मतलब है डायरेक्ट ऊपर से मैंने स्टॉप हो जाएगा एक बार। और इसको ये देख सकते हैं, इसको प्रेस करने से थोड़ा सा एटीट्यूड होल्ड में रहेगा, एटीट्यूड होल्ड मेरा मतलब है एक जगह स्थिर रहेगा ड्रोन। तो मैं आपको पहले उड़ा कर दिखाता हूँ, तो मैं पहले टेक ऑफ कर देता हूँ, तो देखो ना टेक ऑफ हो गया, ओ सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, तो मैं इसी ऑप्शन से स्टार्ट कर चुका हूँ, तो मैं आप इसी ऑप्शन से स्टार्ट कर चुका हूँ, स्टार्ट कर दिया, आप इसी जब लेफ्ट जॉयस्टिक देख रहे हैं, मैं उसको ऊपर करता हूँ, आपको दिख नहीं रहा है, मैं दिखाता हूँ, थोड़ा टाइम लीजिए, कैमरा को ऊपर घुमाता हूँ, oh,